जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झारखंड रे पुणी पाकिस्तान जिंदाबाद रो नारा। पंचायत रे अमीना खातून निर्वाचन जितिला परे लागिला एही स्लोगान जिंदाबाद। सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल। अमीना खातून को समेत 62 जनों को विरुद्ध रे मामला। झारखंड रे देश विरोधी स्लोगान दिया संपर्कित घटना मान बढ़ लगला। गत एक मास मध्य एपरी दुईट मामला सामनाकु आसी। एथिरु देश विरोधी शक्ति मानंकर साहस बढ़िबारे लागिथिबा अनुमान करा जाउछि। एने कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबाकु दाबी करा जाउछि। एबे सोशल मीडिया रे एक वीडियो वायरल हेबारे लागिछि। वीडियोटी झारखंड रो हजारीबाग जिलार। एही वीडियो रे पंचायत निर्वाचन रे विजय लाभ करिथिबा अमीना खातून को विजय परे शोभा यात्रा रे पाकिस्तान जिंदाबाद रो स्लोगान दिया जाउथबा सुनिबाकु मिलुछि। झारखंड रो बीजेपी प्रवक्ता पुतुल साहदेव एही वीडियो को निजर ट्विटर हैंडल रे शेयर करी लेखिछंती, पुणी थरे झारखंड रे पाकिस्तान जिंदाबाद रो स्लोगान सुनिबाकु मिलिछि। देशद्रोही मानंकर मनोबल एते किपरि बढ़िगला। एही घटनाटी हजारीबाग्र बोली कहुची। भिडर सत्यता को जांच करा जाई दोषी मानों विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। देशद्रोही मानों को कोनोसी प्रकार छड़ा उचित नुहे। हजारीबाग्र एसपी मनोज रतन चोठे ए संपर्क में सूचना दे कहते बजार समिति बाहर एक कार्यक्रम वीडियो क्लिप सोशल मीडिया चली। वीडियो रे किछि लोकों को पाकिस्तान जिंदाबाद रो स्लोगान देउथबा सुनिबाकु मिलुछि। सोशल मीडिया रे एही वीडियो वायरल हेबा परे पुलिस को कार्यानुष्ठान नेबाकु पड़िछि। से कहिछन्ति जे एही मामला रे पंचायत समिति सदस्य अमीना खातून को समेत 12 जनक नाम रहितबा बेले 50 जन अज्ञात लोकों नाम रे मामला रुजु करा जाइछि। एही मामला रे पुलिस टीम जांच करुछि। जदि वीडियो सत्य होइथिबो तेबे समस्तक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। मिलिथिबा सूचना अनुसारे पंचायत समितिर सदस्य भाबे विजय लाभ करबा परे विजय शोभा यात्रा बेले एही नारा लागिथिला। झारखंड राज्य रे पंचायत निर्वाचन बेले एहा एपरी प्रथम घटना नुहे। एहा पूर्वरु गत एप्रिल 21 तारिख दिन ठीक एही परी घटना घटी सारिछि। सेतेबेले गिरिडीह जिल्लारे सरपंच प्रार्थी मोहम्मद सकीर ओ तार समर्थक माने प्रार्थीपत्र दाखल बेले पाकिस्तान जिंदाबाद रो नारा देइथिले। सेतेबेले पुलिस एमानंकु अटक रखिथिला। वंदना रायंक इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।